Hello friends, welcome to Code Me Coder. This is Ankur Jaiswal here. So let's start with our today's video. So इस वीडियो के अंदर हम HTML 5 के बिगनर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम HTML को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे और इससे हम जब बेसिक लेवल से थोड़ा एडवांस लेवल तक पहुंचने लगेंगे तो उस समय पर हम खुद की वेबसाइट भी प्रिपेयर करेंगे, वेब पेजेस को क्रिएट करके देखेंगे कैसे होते हैं और उसके साथ साथ वेब एप्स और इंटरफेसेस को भी देखेंगे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद HTML 5. तो सबसे पहली बात जो इसके अंदर आती है वो ये है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं चाहिए होता है. ओके, HTML बहुत ज़्यादा इजी होता है. इसमें सबसे पहली बात कि ये मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपको ज़्यादा एल्गोरिदम और इन सब पे ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो. नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर आती है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है. तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ये, जिसका यूज़ हम करते हैं वेबसाइट, वेब पेजेस और वेब एप्स को क्रिएट करने में. बहुत सिंपल है. इसके बाद की फीचर्स को देख लेते हैं. की फीचर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने किसी और में शायद ही देखी हो. जैसे एक नॉर्मल टेक्स्ट को आप अगर फॉर्मेट करके, अरेंज करके या फिर ग्रुप करके रखना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो. इसका मतलब क्या हुआ, एक नॉर्मल टेक्स्ट ब्लैक एंड वाइट होता है, उसको आप लिंक जैसा शो करना चाहो या फिर किसी मल्टीमीडिया को इंसर्ट करना चाहो या फिर कोई इमेजेस या कुछ भी, वो चीज़ें भी आप HTML में बहुत आराम से कर सकते हो. एक नॉर्मल टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइल दे दो या फिर उसके अंदर कुछ कंटेंट्स को इंसर्ट कर दो या फिर कुछ अलग ही टाइप का कंटेंट उससे प्रिपेयर कर लो. जैसे एक मैं लिंक को लेता हूँ और उसको मैं ऐसे स्टाइल करता हूँ कि वो एक बटन जैसा दिखने लगे, एक ऐसा बटन जिसमें ग्रेडियंसी हो, ग्रेडियंट कलर्स हो या कुछ भी, तो वो चीज़ें बहुत आसानी से आप HTML में कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है. नेक्स्ट चीज़ है एडवांटेजेस ऑफ HTML. तो HTML के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिनमें से कि कुछ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ. सबसे पहली बात कि आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नॉलेज तो बिल्कुल नहीं चाहिए इसको सीखने, समझने या फिर करने के लिए. यानी कि आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नॉलेज का क्या मतलब हुआ, जैसे आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखो, एक सॉफ्टवेयर उनका खुद का होता है जो आपको उसको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग. बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है. आपका जो भी नॉर्मल वेब ब्राउजर पहले से प्री इंस्टॉल्ड है आपके PC में या फिर आप किसी को इंस्टॉल करके यूज़ करते हो, आप उसमें भी HTML कर सकते हो बहुत आसानी से. उसके साथ साथ आपको सिंपली एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है. आप टेक्स्ट एडिटर के अंदर पूरा HTML का कोड लिखो, सेव करो, उसको रन करोगे तो आपके ब्राउजर में रन होगा. उसके साथ साथ आप जो भी एक पेज क्रिएट कर रहे हो, अगर HTML का किसी एक पर्टिकुलर PC या फिर किसी डिवाइस पे, और उसको सोच रहे हो कि दूसरे पे चलेगा कि नहीं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है. वो आपका कंटेंट दूसरे पर भी कंपैटिबल रहेगा, दूसरे PC पर भी कंपैटिबल रहेगा और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी. यानी कि किसी भी वेब ब्राउजर पे आप चलाओगे अपने HTML कंटेंट को तो वो तुरंत रन करना शुरू करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है. जैसा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, दूसरे पे सपोर्टेड शायद ही रहते हैं, दैट्स वाई. तो ये हमारे कंपैटिबिलिटी के बेसिस में ये पास होता है और बहुत अच्छा रहता है. नेक्स्ट चीज़ है, आप वेब पेजेस, वेबसाइट्स या फिर कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका कंटेंट अपडेटेड नहीं है, आपको अपडेट करना चाहिए या फिर करना पड़ेगा, तो उस समय पे आप HTML का अगर यूज़ कर रहे हो तो बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से आप इसको अपडेट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के. नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है इसके वर्जन्स के बारे में, तो ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना कुछ ज़्यादा ही जरूरी होता है. तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके वर्जन्स कौन कौन से हैं. तो वर्जन्स में टोटल 5 वर्जन्स अभी तक लॉन्च हुए हैं. HTML 5 बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला है. ओके, HTML 1.2 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसके अंदर 22 एलिमेंट्स ही थे. ओके, और 1991 में लॉन्च हुआ था. उसके बाद 1995 से 1997 तक में HTML 2.0, 3.0 और 4 लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स को एक्सप्लोर किया गया. और उसके बाद HTML 5 को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. बहुत ज़्यादा टाइम का क्या मतलब हुआ, जो हमारा HTML 5 था उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स डाले गए हैं जो कभी शायद ही सोचे गए थे जब हमारा HTML 4 आया था. ओके, और कई सारे एलिमेंट्स HTML 4 के रिमूव कर दिए गए हैं जिनके यूज़ नहीं थे अब. तो ये था हमारा बेसिक चीज़ जिसके अंदर हमने HTML को देख लिया कि HTML होता क्या है और बेसिकली उसका यूज़ क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं और उसके कौन कौन से वर्जन्स हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट्स कौन से होते हैं HTML के अंदर, वो उसको देखेंगे और मेनली उसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे. सो टिल देन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.